गाइज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सो दिस इज़ माई सेकेंड कुकिंग व्लॉग। फर्स्ट वन इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑफ ब्रेड रोल्स। इफ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो देन डू वॉच इट। सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो। आज हम लोग वेज चाउमिंग बनाएंगे। सो पहले हम 2 टेबल स्पून ऑयल ले लेंगे। वंस द ऑयल इज हीटेड देन वी विल एड द अनियंस इन टू इट। यहाँ मैं 2 अनियंस ले रही हूँ। अब हम अनियंस को ट्रांसपेरेंट होने देंगे। ये देखिए अनियंस ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। नाउ वी विल ऐड रेड ग्रीन एंड येलो बेल पेपर्स और हम लोग थोड़े से इन तीनों शिमला मिर्च को थोड़े से पका लेंगे। देखिए ये शिमला मिर्च पक चुके हैं। अब हम इसके अंदर बीन्स डालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कैरेट डालेंगे एंड कैबेज डालेंगे। ये सारी वेजेस डाल के हम लोग इनको पकने देंगे अबाउट 5 मिनट्स। सो ये थोड़ी आधी कच्ची हो जानी चाहिए, मतलब कि पूरी नहीं पकने देना है हमें इन वेजेस को, क्योंकि वेज चाउमिन में थोड़ी सी कच्ची सब्जियां थोड़ी सी अच्छी लगती हैं, वो उनका क्रंच बहुत ही अच्छा लगता है। एंड अब इनको हम 5 मिनट्स के लिए पकने देंगे। Once the veggies are cooked, we will add salt and pepper and we will mix them well. हम लोग अच्छे से इसको mix कर देंगे। Salt को अच्छे से mix करने के बाद we will add soya sauce. यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून soya sauce लिया है। Then we will add red chili sauce and green chili sauce. नाउ ये तीनों सॉस डालने के बाद वी विल ऐड बॉइल्ड नूडल्स। ये मैंने पहले से ही बॉईल करके रख लिए थे नूडल्स को, तो अब हम ये नूडल्स डाल के इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे ये सारे सॉसेस एंड वेजीज में, ताकि ये अच्छे से सारा सॉस इन नूडल्स में लग जाए। ये देखिए नूडल्स बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं तीनों सॉस में एंड वेजीज में। अब हम चलिए करते हैं प्लेटिंग। प्लेटिंग के लिए यहाँ पे मैंने एक ये ऐसे प्लेट ली है येलो कलर की, एंड उसके ऊपर मैं यहाँ पे नूडल्स डालूंगी। गार्निश करने के लिए हम लोग स्प्रिंग अनियंस भी डाल सकते हैं। सो आप भी ये नूडल्स को बनाइए एंड अपने घर वालों के साथ इंजॉय कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।